इम्यूनिटी इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लैग टी लाइक वी यूज इन एलोपैथी बट इट दिस इज अ यूनानी कंपनी प्रोडक्ट इट हैज़ गुड इन्ग्रीडियंट एज कम्पेयर टू ग्रीन टी एंड इट हैज अ मोर बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इन हेल्थ सो यू कैन एनी काइंड ऑफ एज पर्सन कैन यूज दिस एज फॉर हेल्थ इश्यूज सो दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड सबजम Sabzam has multiple effects on advantage. Like you can use it in external or internal. Like you can use it fever, cold, headache, muscle pain, stomach, food, sex poison, tongue, ear pain, long lasting pain. नमस्कार मेरे चैनल पे अपना आज मैं यूनानी के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ और सर मेरे साथ है सर थोड़ा आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए और यूनानी दवाइयों के बारे में भी बताइए किस किस काम में ज़्यादा आती है जी सर यूनानी पैथी जो है वो आयुर्वेदा के जैसा ही है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें लेकिन यूनानी में कुछ चीज़ों कुछ मर्ज़ का बहुत अच्छा इलाज है जैसे अगर यूनानी के बारे में आप बात करें स्किन डिसीज़ स्किन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट यूनानी में है और इसकी रिसर्च की मेडिसिन गवर्नमेंट की तरफ से भी फ्री दी जाती है जो CCRM के जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं और पेटेंट के तौर पे जो कंपनी जैसे हमारी कंपनी है हमारा स्किन क्लियर कैप्सूल और स्किन क्लियर सिरप बहुत अच्छा इसमें काम करता है इसके अलावा पेट के जितने भी रोग हैं उसका अच्छा इलाज जो है यूनानी में बहुत अच्छा इलाज है पेट के जितने भी रोग हैं मतलब वो बहुत अच्छा इलाज है उसकी बहुत सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ आती हैं इसके अलावा आप अगर जाएंगे पौरुष शक्ति के लिए यानी मर्दाना कमज़ोरी का बहुत अच्छा यूनानी में इलाज है अगर हम बात करें दहलवी की तो दहलवी 95 ईयर्स ओल्ड कंपनी है ये पहले शमा लेबोरेटरीज़ के नाम से होती थी लाल कुएँ पे उसके बाद ये दहलवी के नाम से शुरू हुआ अभी हमारे 3 यूनिट हैं दहलवी नेचुरल्स जो हमारा पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली में सिचुएटेड है इसके अलावा हमारा कानपुर में दहलवी अंबर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारा यूनिट है और दहलवी रेमेडीज़ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जिसके बैनर के नीचे हमने अभी एक नया जो है इसमें एक नए कुछ हम लेकर के आए हैं जैसे जेनरिक मेडिसिन है यूनानी की उनको हम शुगर फ्री लेके आए हैं खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला एक होता है ये मशहूर जेनरिक मेडिसिन है यूनानी पद्धति की इसमें ये सेमी सॉलिड होता है और एक बहुत पुराने हकीम थे उनके नाम पर ये खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला होता है इससे पहले क्या होता था इसका जो बेस होता था या तो शहद हनी या फिर जो है ना चीनी का होता था अभी क्या किया है कि इसको शुगर फ्री हम लेकर के आए हैं हिंदुस्तान में पहली बार कोई कंपनी है जो शुगर फ्री जेनरिक मेडिसिन लेकर के आई है सर लोगों में जैसे अस्थमा ज़्यादा है दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से तो उसके लिए कौन सी आपकी मेडिसिन है हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया सर क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा उसके लिए क्या होता है एक तो इम्यूनिटी के लिए दवाएँ दी जाती हैं इसके अलावा हमारा एक अस्थमा कैप्सूल करके आता है अस्थमा कैप्सूल सुबह शाम दो लें साथ में इम्यूनिटी के लिए जैसे हमारा अर्कमल्लम खास है एक ये दवा जो इम्यूनिटी को एनहांस करती है तो जो अबव 40 हैं या बच्चे हैं वो उस दवा का अगर सेवन करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और साथ में एज ए मतलब प्रिक्योर उससे बचने के लिए अस्थमा कैप्सूल सुबह शाम लें थैंक यू